हरियाणा के झज्जर स्थित गांव सिकंदरपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ चश्मा वितरण कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान ओपी धनखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती तक पूरे प्रदेश में भाजपा द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सिकंदरपुर गांव में ही चश्मा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने उदयभान के बयान की कड़ी निंदा की है। ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने मर्यादा की सभी हदें पार कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री खट्टर के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और अपने बयान पर कायम रहना ये उससे भी बड़ा दुर्भाग्य है। इससे पहले भी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जनता को श्राप देने की बात कही थी। वो क्या ऋषि मुनि है जो जनता को श्राप देंगे? ये साफ साफ कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट को दर्शा रहा है। सबसे पहले तो मैं एक कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान जी का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान आया है। उन्होंने मर्यादा की सारी सीमाएं लांग दी हैं। वो मर्यादाहीन तो है ही, बिल्कुल अशालीन है। देश के सर्वोच्च नेता को ऐसे हल्के शब्दों के साथ उच्चारित करना, प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस प्रकार के शब्दों के साथ उच्चारित करना, मैं कहूँगा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और उससे बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वो, अभी मैं उनका बयान देख रहा था तो वो अपने बयान पर उसको जस्टिफाई करने के अड़े हुए हैं। ऐसी है मर्यादित भाषा पे। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का अब ये भाषा ऐसी हो गई है कि शायद कांग्रेस में बड़ी भारी बौखलाहट। पिछले दिनों हमने रणदीप सिंह सुरजेवाला को देखा और उन्होंने कहा मैं शाप देता हूँ जनता को। भाई आपको ये ऋषि मुनि हैं और जनता को शाप तो कभी ऋषि मुनियों ने भी नहीं दिया, एक आध व्यक्ति को दे दिया होगा जिससे नाखुश हुए होंगे। आप पूरी जनता को वो शाप दे रहे हो। उन्होंने देखा कि वो गाड़ी देकर भाषा बोल रहे हैं। अभी ये बहुत ही अशालीन शब्द, जिसको कहूँ मर्यादाहीन, यानी सरअसल में तो उनको अपने शब्द दोबारा सुन के अंदर से ही शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए थी। देखिए अमर्यादित भाषा कभी कभी व्यक्त होती है तो लोग फील भी करते हैं। मतलब रमेश भिधोड़ी से कोई अमर्यादित भाषा निकली तो तुरंत राजनाथ सिंह जी खड़े हुए और ने तुरंत कहा कि मैं इस बात को महसूस करता हूँ, खेद व्यक्त करता हूँ, माफ़ी मांगनी चाहिए कांग्रेस के नेतृत्व ने, सोनिया गांधी जी ने, खड़गे जी ने, राहुल जी ने। इनको तो मैं कहूँ क्या कि ये तो उस पर ही उतरे आए हैं। मतलब जिसको कहें कि भाई लज्जाहीन वक्तव्य हो गया है, क्योंकि पहले कहने में शर्म नहीं और अब कह रहे हैं कि भाई मैं तो मेरे शब्दों में क्या कमी है। मैं तो इस नाते से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट आया है। संपूर्ण कांग्रेस पार्टी को इस पर जो है ये शर्म महसूस करनी चाहिए। धनखड़ ने कहा कि हमारी पार्टी के सांसद रमेश भिधोड़ी ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनके लिए खेद प्रकट किया। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रमेश भिधोड़ी को नोटिस देकर जवाब भी मांगा। हमने तो कार्रवाई की, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? क्या उन्होंने सुरजेवाला के खिलाफ कार्रवाई की? अब उदयभान पूनिया पर क्या कार्रवाई करेंगे? जो दुर्भाग्यपूर्ण बयान कांग्रेस के नेता ने दिया है उसको लेकर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को पूरे देश से और प्रधानमंत्री से माफी मांगनी चाहिए। आने वाले समय में इसका खामियाजा भी कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। फिलहाल उदयभान के इस विवादित बयान को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर जमकर हमला बोल रही है। चुनावी दिनों में उदयभान का ऐसा बयान कहीं कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी ना साबित हो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।